नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निकॉन DSLR में आप जो है शटर प्रायोरिटी मोड पे फोटोग्राफी शूट कैसे कर सकते हैं और शटर प्रायोरिटी मोड पे आप अच्छे फ़ोटो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि शटर प्रायोरिटी मोड जो है हम कब और कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर शटर प्रायोरिटी मोड का मतलब है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसका नाम ही है शटर प्रायोरिटी, अर्थात इसका मतलब है कि इसमें शटर की स्पीड को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। शटर स्पीड जो है फुल्ली आपके कंट्रोल में रहती है और एपरेचर जो है कैमरा अपने हिसाब से इसको कंट्रोल और एडजस्ट कर लेता है। दोस्तों, इसमें क्या है, आप शटर प्रायोरिटी मोड में जो है सबसे पहले तो आप देखिए स्लो शटर स्पीड में आप फ़ोटो खींच सकते हैं और फास्ट शटर स्पीड में भी इसमें आप फ़ोटो खींच सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोई एनिमल मूव कर रहा है उसका फोटोग्राफी अगर आपको करना है, कहीं स्पोर्ट्स हो रहा है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आपको करना है, और कहीं कोई फास्ट व्हीकल जा रहा है जैसे कार जा रही है, ट्रेन जा रही है, या जैसे हम कहते हैं किसी मूवमेंट को फ्रीज करना, कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीज करना है, फैन फुल स्पीड में चल रहा है उसकी मूवमेंट को फ्रीज करना है, तो इसके लिए जो हम लोग इस शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर इफेक्ट लेते हैं हम लोग, मिल्की इफेक्ट लेते हैं वाटरफॉल का, झरना बहुत तेज़ी से बहता है, पानी बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, लेकिन हमें उस मूवमेंट को फ्रीज करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग इस शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मेरा नया आपके सामने है निकॉन DSLR D5300 कैमरा, मैंने अपने ऑन किया हुआ है, लेंस को थोड़ा सा जूम किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अभी कैमरा मेरा जो है मैनुअल मोड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एम सेलेक्ट है, तो मैनुअल मोड है। इसके बाद है एपरेचर प्रायोरिटी मोड और तीसरा है दोस्तों शटर प्रायोरिटी मोड। तो एपरेचर प्रायोरिटी मोड का वीडियो आपको मेरे वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वो मैंने बना दिया है। और इस समय मैं आपको बता रहा हूँ शटर प्रायोरिटी मोड। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको शटर प्रायोरिटी मोड पर सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ भी हम लोग जो है कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें करते हैं। अगर किसी हमको किसी का मूव कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, जैसे कोई ट्रेन मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, कोई जानवर मूव कर रहा है, कोई आदमी चल रहा है, उसके मूवमेंट को अगर हमें फ्रीज़ करना है, कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ भी है, अगर वहाँ पे हमें मूवमेंट को फ्रीज करना है तो हम इस शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यूज़ हम लोग मैनुअल मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल मोड में क्या हमको फिर उसको शटर को और एपरेचर को खुद ही सेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन शटर प्रायोरिटी मोड में क्या है कि हमको यहाँ पे सिर्फ शटर स्पीड ही सेलेक्ट करनी है, बाकी सब कैमरा एपरेचर और ISO खुद ही हमको मेंटेन करके दे देता है, बैलेंस करके देता है। इसके बाद भी अगर हम इमेज खींचते हैं, अगर हमको लगता है कि इमेज हमारी ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा डार्क है या ब्राइट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक्सपोजर कंपनसेशन बटन, इस बटन को हमको हम लोग प्रेस करेंगे और रोटेटिंग डायल को दबा के जो हम जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो माइनस की तरफ को जा रहा है जैसे ही, तो ये हमारी इमेज डार्क होती जाएगी, और जैसे ही हम इसको इस साइड पॉजिटिव साइड में घुमाएंगे तो ये हमारा प्लस की साइड में को बढ़ेगा। जैसे ही प्लस साइड में को बढ़ेगा तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा इमेज जो है ब्राइट होता जाएगा और माइनस की साइड में डार्क होता जाएगा। तो जैसा हमें ब्राइट चाहिए डार्क चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देख के दिखाऊँगा, अपने कैमरे में जो मैंने इमेज कैप्चर की हुई है तो वहाँ पर मैं आपको शटर स्पीड का जो है यूज इसमें अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ इमेज हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि एक मेरे पास इमेज है कार का, और इस कार को मैंने फास्ट मूविंग थी ये कार हाईवे पे, यहाँ पे इसका एक इमेज कैप्चर किया है। और इस इमेज में आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा तो आपको अच्छी तरह दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इसका व्हील जो है देखिए आप, एकदम इसके व्हील का मूवमेंट जो है एकदम फ्रीज है, अच्छी तरीके से दोनों व्हील्स का मूवमेंट जो है इसका फ्रीज हो चुका है। इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं जैन थोड़ा सा और जूम करूँगा तो शायद इसको आपका नंबर भी इसका आपको दिखेगा अच्छी तरीके से गाड़ी का। ये देखिए आप, इसका नंबर भी इतना इसका अच्छा इमेज आया है कि आप इसका नंबर भी जो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने इमेज जो है कितनी शटर स्पीड पर कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो इमेज है ये देखिए यहाँ पे आता है दोस्तों इमेज, इसका शटर स्पीड मैंने दोस्तों 1/4000 किया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। एपरेचर इसका 4 पे था और ISO इसका 640 पे था। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका शटर स्पीड सेट किया था 1/4000 सेकंड पे,
बाकी अपर्चर और ISO कैमरे ने खुद ही अपने आप सेट किया है इसको, तो यहाँ पे जो है इसका मूवमेंट एकदम फ्रीज हो गया और ये इमेज काफ़ी अच्छी आई है। तो ये दोस्तों एक इमेज है कार की, ये भी फास्ट मूविंग थी लेकिन इसको मैंने स्लो शटर स्पीड में लिया हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों इसके कार का इमेज जो है ब्लर आया हुआ है पूरी तरीके से, और ये भी दिखाता हूँ मैंने आपको ये कितने सेटिंग पे ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग थी दोस्तों 1/40 सेकेंड की, शटर स्पीड 1/40 पे था, अपर्चर F20 और ISO 250 पे था, और 18mm पे इसका फोटो खींचा मैंने दोस्तों। आप देखेंगे कि इसका इमेज जो है काफ़ी ब्लर आया हुआ है, तो वो इसीलिए है कि दोस्तों ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग था और इसका शटर स्पीड काफ़ी स्लो था वहाँ पे, इस कारण से जो है इसका इमेज जो है काफ़ी ब्लर आया हुआ है। तो दोस्तों ये फ़र्क पड़ता है आपके कैमरे का शटर स्पीड का इमेज के मोशन के ऊपर, जो आप सब्जेक्ट है अगर आप उसका मूविंग के ऊपर इसका असर पड़ता है। एक तीसरी इमेज मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि आप देखेंगे, जैसे आप ये कार देख रहे हैं दोस्तों इसका भी इमेज काफ़ी अच्छा आया हुआ है, और इसकी भी सेटिंग मैंने जो है 1/4000 सेकेंड पे इसका फ़ोटो कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप एक बकरी है जो कि मैंने आपको बताया था एनिमल है, तो यहाँ पे इसका इमेज जो है मैंने 1/1600 पे सेट किया था। आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आप इसका मूवमेंट जो है आप क्लियर देख पाएंगे अच्छी तरीके से, एकदम इसका क्लियर मूवमेंट इसका आपको दिखाई पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं गाय है, गाय यहाँ पे मूव कर रही है, और इसका मैंने मूविंग का अच्छी तरीके से पूरा अच्छी तरीके से इसका इफ़ेक्ट लिया है। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, जूम करके देखिए आप इसके मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे पूरी, जैसे इसका देखिए मुंह यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, पैर इसके बराबर एकदम आए हुए हैं अच्छी तरीके से। और तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सी इमेज जो है कब आपको कौन सी शटर स्पीड यूज़ करनी है। तो दोस्तों अगर आप कोई एनिमल या मूविंग पर्सन का इमेज ले रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको शटर स्पीड जो है मिनिमम जो आपकी है 1/400 सेकेंड होनी चाहिए। अगर आप कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो कि कैमरे की तरफ आपकी ज़ोर से आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो वहाँ की आपकी शटर स्पीड जो है 1/1000 से ऊपर की होनी चाहिए, तभी आपको जो है उसका शटर स्पीड में जो है आपको 1/1000 से अगर शटर स्पीड आपका ऊपर है तो आपको उसका इमेज अच्छा मिलेगा। और जैसे कि आप लाइट रेल्स है या स्टार रेल्स है, और अगर वाटरफॉल्स का मिल्की फैक्टर अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको शटर स्पीड आपका कम करना पड़ेगा, और उस समय पे जो है आपको अपना शटर स्पीड जो है 1/15 सेकेंड करना पड़ेगा। यहीं पे अगर आप लाइट ट्रेल्स का फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपको 1/4 सेकेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों जितना शटर स्पीड आप स्लो रखेंगे तो आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है अगर आप शटर स्पीड को स्लो कर रहे हैं तो आपको जो है ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ट्राईपॉड के आप जो है इमेज अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कैमरा हिलते ही जो है आपका इमेज ब्लर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको शटर प्रायोरिटी मोड में जो है कहाँ पे शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आपको कितनी शटर स्पीड रखनी है ताकि आपको इमेज जो है अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।